हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज इस वीडियो में हम टाटा स्टील का एक क्विक टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलती रहे इस तरीके की वीडियोज़ बनाते रहने के लिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टाटा स्टील का डेली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। अराउंड 780 लेवल पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था टाटा स्टील में। उसके बाद एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। देन स्टॉक ने 1245 का एक हाई बनाया था। देन कंटिन्यूसली 2-3 महीने के लिए साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था स्टॉक के प्राइस में, एंड स्टॉक ने 1535 का एक ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड मोमेंट में स्टॉक का प्राइस था। बट लास्ट 2-3 मंथ्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है एंड ट्रेड हो रहा है। एंड रिसेंट टाइम्स में एक बहुत सपोर्ट लेवल से एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, एंड पॉसिबिलिटीज ये लग रही है कि अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है। तो इमीडिएट जो उसका टारगेट है, तो इमीडिएट टारगेट 1240-1245 का इमीडिएट टारगेट है। ऊपर में जो आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन है, एक बार ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली डेली बेसिस में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड 1400 प्लस का है, और ये उसका जो ऑल टाइम हाई था 1535 का, ये उसको भी एक बार रिटेस्ट कर सकता है। अगर आपने टाटा स्टील को पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया हुआ है या फिर टाटा स्टील आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। नीचे वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो अगर प्राइस फिर से इस लेवल पे आता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है डाउनसाइड में वो अराउंड 950-955 का लेवल है। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है पोजिशनली, चाहे आपने पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया हो या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, तो 1050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।